मैं निरंतर गतिशील हूँ। मेरा बीता हुआ एक भी क्षण कभी लौट कर वापस नहीं आता है। विश्व में समय को अत्यंत मूल्यवान धन माना जाता है। विश्व के आरंभ से लेकर आज तक मानव जो निरंतर रच रहा है वो सब समय के सदुपयोग से ही संभव हो पाया है। यदि महान कार्य करके नाम यश पाने वाले लोग आजकल करते हुए हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते तो जीवन में कभी सफलता के शिखर पर नहीं पहुंच पाते। अच्छे कर्म करके स्वयं अच्छे रहकर ही हम समय को अपने लिए प्रगतिशील बना सकते हैं। इसके अलावा अन्य कोई मार्ग है ही नहीं। हम सभी के पास जो कीमती संसाधन है वो है समय। समय के सदुपयोग में ही जीवन की सफलता का रहस्य निहित है। मानव जीवन भी नदी की धारा के समान है। जिस प्रकार नदी की धारा निरंतर प्रवाहित रहती है ठीक उसी प्रकार मानव जीवन की धारा भी अनेक उतार चढ़ाव से गुजरती हुई निरंतर गतिशील रहती है। सृष्टि के अनगिनत युगों को ताजा करने मैं आया हूं। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, राजा हो या रंग, सभी को एक ही नजर से देखता है। आज की जीत और आने वाली कामयाबी के पीछे एक ही रणनीति है और वो है परिवर्तन। परिवर्तन पहले सोच में, फिर अमल में, फिर आने वाले भविष्य में सफलता आपके कदम चूमेगी। जो व्यक्ति समय चक्र पहचानकर उचित ढंग से कार्य करता है उसकी उन्नति में चार चांद लग जाते हैं। संत कबीर का दोहा समय का सदुपयोग करने को प्रतिपादित करता है। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कल। सृष्टि का निर्माण पंच तत्वों से हुआ है, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु में ही हमारे जीवन का सार छिपा है। इनका संतुलन हमें स्वस्थ जीवन जीने में सहायता करता है। प्रकृति के रूप में ईश्वर ने दिया पंच तत्वों का उपहार। समस्त ब्रह्मांड का कण कण रहा है बोल, प्रकृति के ये पांच तत्व है अनमोल। If you will cut the tree, you cannot eat oxygen. Trees take carbon dioxide and releases oxygen. Oh, sorry, I did not understand it. Don't say sorry, just save trees and save earth. Stop! Why are you wasting water? No, I was just drinking water. But still some water is remaining in bottle. But since my water I will do. Water is necessary for life. If there is no water, there is no life. Whistle not plastic. And don't throw plastic. It also pollutes our environment. Throw this in dustbin only. Oh, sorry. Oh no! Why are you doing noise pollution? I'm just listening to music. No! Unwanted noise creates noise pollution. But since my cigarette, what will we do? But this is harmful for our health and it may cause permanent injury to our ears.
Oh, sorry. Next time I will listen music in low volume. Stop. Why are you throwing this garbage here? Why I should not throw this garbage here? Because it may cause infection to our body and pollute our environment. So what to do with this garbage? We can reduce, reuse and recycle this garbage, which may not pollute our environment. Oh, sorry. Now onwards, I will do this only. Why are you plucking out this tree? I'm just doing my work. But it may damage our soil. How? Soil will lose its fertility. Then farmer will not be able to grow better crops for us. Oh, sorry. Soil is precious thing for us. So, save soil. Save.